Nair, I am a primary teacher in Demonstration Multipurpose School, Bhopal. So, today we are going to learn about shapes and designs. Today in the studio, I am having two students with me. They will introduce themselves. My name is Sala Alvin. My name is Alex Alvin. Okay. Today, we will be learning about shapes and designs. So, this chapter is given in class 3rd. And the topic we are learning today is edges and corners. Students, what is this shape? Uh, triangle. This is a triangle. नाउ वट इज दिस शेपल दिस इज शेप आई एम टॉकिंग अबाउट द शेप ट्राइंगल दिस वॉज ट्राइंगल दिस इज ए स्क्वायर स्क्वायर एंड वॉट इज दिसल दिस इज रेक्ट एंगल दिस इज ए क्यूबॉइड ऑल द ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स जो इन सबको अलग बनाता है इसका शेप देखो बिल्कुल अलग है शेप बिल्कुल अलग है है वट इज दिसमन इसका शेप अलग है सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट शेप द डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ सम फीचर्स सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टू फीचर्स दैट इज एडजस्ट एंड कॉर्नर्स So now, suppose this is a this is a square. Okay, it is having all sides of, of same length. All the sides are equal. So in this particular square, there are four edges, one, two, three, four, and it is having four corners, one, two, three, four. Same is the case with rectangle. So how many edges it is having? four, one, two, three, four. two edges are long and two edges are short. this is also having four corners, one, two, three, four corners. now these are two d shapes. now what is this? this is a circle. good. this is a circle.

Cube. cube now let's count the number of edges and corners, corners. so this is 1 edge 1, one two, 2 3, three 4 two, two, 5 6, six, six seven, 7 8, eight. Okay? 9 10, ten 11, 11 12. 12 so this is having 12, 12 edges 12. now let's see how many corners it is having corners 1, one 2, two थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट अंडरस्टूड यू टेल मी द नंबर ऑफ एजेस इसमें कितने एजेस हैं? वो काउंट करके बताओ मुझे एडजेस वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन सो दिस इज हैविंग 12 edges. 12 edges. Now you count the corners. What me 1, 2, 3, 4, 5, six, seven, eight. Yes, very good. This is having 8, eight corners, corners and 12 edges. Now, today we, will, we are going to do one activity very interesting activity what is that activity i have given you some 2d shapes so with these 2d shapes this is a rectangle you have to form some figures that you have seen in your surroundings okay now here are some square pieces so with this you have to form one design tile design any design you want but it should have some designs okay here you have to prepare some image of a boat with these shapes. Try to form it. Okay. Now let's proceed. Yes. You can proceed. Yes. Make it symmetric. Yes. Good. you House. ओके ओके व्हाट आर यू डूइंग यू आर फॉर्मिंग अ डिजाइन ओके ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ये कौन है ये बोट है उसके अभी आप हम ट्राइंगल्स ट्राइंगल्स ये बोट कहाँ चलती है वाटर में यस इट इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन इन वॉटर एंड दिस इज ए हाउस इसमें क्या होता है रहते हैं।, हैं ये हमको सेफ्टी देता है एंड व्हाट इज दिस दिस डिजाइन ऑफ़ टाइल्स डिजाइन मेड बाय टाइल्स एंड दिस ऑल्टरनेट कलर्स में है आपका ब्लैक यूज किया आपने फिर आपने व्हाइट यूज किया वेरी गुड सम मोर डिजाइन कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम दिस शेप्स वट यू लर्न फ्रॉम दीज एक्टिविटीज कि हम जो डिफरेंट डिफरेंट शेप उनसे चीजें बना सकते हैं और किस शेप से बनाया आपने हमने ट्राइंगल रेड एंगल सर्कल इन सबको यूज किया नाउ वी विल डू वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी इट इज वेरी इंटरेस्टिंग

कौन सा कलर है पिंक। दिस इज पिंक कलर हो गया सेवन काउंट कर लो एक बार वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नाउ वी आर हैविंग ऑल द सेवन शेप। अब देखिए जरा ध्यान से देखिएगा इसके बाद आपको पजल बनाना है सबसे पहले ये लार्ज पीस लिया मैंने ट्राइंगल का ठीक है इसको हमने ऐसा रखा ठीक है ध्यान से देखिएगा उसके बाद हमने इसको यहां पर रखा ठीक है अच्छी तरह सीख लीजिएगा फिर आप बनाए मैं आई विल हेल्प यू नाउ, दिस पार्लोग्राम उठा के इसको यहां यूज कर दीजिए ठीक है उसके बाद ये छोटा सा ट्रायंगल लिया हमने सबसे छोटा वाला ट्रायंगल, इसको इसको आगे प्लेन का भी नोज होता है प्लेन का भी टेल होता है टेल भी बनाना है ना अभी अब ये देखिएगा इसको हमने यहां यूज किया ठीक है ना वी आर लेफ्ट इट टू मोर शेप्स इसको आपको यहां यूज करना है एक यहां पर आपको यूज कर दीजिएगा ठीक टेल और आएगी आप प्लेन को अधूरा लग रहा है बिना टेल के सो द फाइनल शेप इज हियर इट कम्स अब ये देखिएगा क्या बन रहा है एरोप्लेन hmm. आपको आगे समझ में hmm. अब मैं आपको सेवन पीसेस आपको दूसरे कलर का देता हूं देखते हैं आप लोग बना पाते हैं नहीं टेक इट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड दिस इज द सेवेंथ हो गया hmm. अब अब उसमें बनाइए उस शीट में अब ये देखिएगा आप इसको ध्यान से देख के बनाइएगा है ना अगर नहीं आया तो मैं आपको बताऊंगा देखिए इसी सेम शेप को आप बना के दिखाइए आप करिए देखिए इसको अच्छी तरह तो ऑब्जर्व कीजिए कौन सा शेप कैसे करना है यस yes. ये थोड़ा सा आपको ये चेंज करना पड़ेगा इसको रोटेट करना पड़ेगा इसको रोटेट करिए ये ताकि इसका शेप है ना ये वाला ये देखिए आप उस तरफ से देख रहे हैं या फिर मैं यहां से बनाता चलो एक यहां इसको आपने यहां जॉइन करो जॉइन करो ऐड से ऐड जॉइन करो हाँ, सही कर रहे गुड उसके बाद अब क्या लेना पैलोग्राम नहीं ये, ये तो पीछे आएगा यहां लगा हाँ आप, आप वह ऐसे बना रहे हो आप लोग ऐसे बना रहे हो तो आप एक काम करो फिर इस तरीके से रखो ठीक है बहुत अच्छा ठीक है ना हुँ. आगे करिए यस yes. इसको कहां रखना है देखो स्ट्रेट लाइन में स्ट्रेट लाएं स्ट्रेट लाइन ये ऐसा अब एक छोटा सा नोस तो लगा दो उसका छोटे ट्राइंगल से आ, एज़ को एज़ से जोड़ो एज एज आप भी हेल्प करो आप एक काम करो पीछे का टेल बनाओ ये पहले कहां से रखोगे आप जोड़ो हाँ यस उसके बाद ये वाला छोटा छोटा वाला बहुत अच्छे गुड शाबाश और एक नोज नोज ऐसा नहीं है देखो ऐसा है ये हुआ ना लेकिन थोड़ा सा आपने कौन सा शेप ले लिया इसका देखिए यहाँ पे कौन सा शेप आना चाहिए इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे तब अच्छा दिखेगा ये देखिए दो दोनों के लिए मैंने दोनों दो एक प्लेन्स रेडी हो गए एक आपके लिए एक आपके लिए दोनों आज वापस जाएंगे ना तो प्लेन पे बैठ के जाना ठीक है हो गया So, ये एक प्लेन था ऐसे हम और भी शेप बने ये कहा उड़ता है हवा में उड़ता है अब एक काम करते हैं अपन अब अपन पानी वाला कुछ बनाते हैं uh, ठीक है पानी में स्वैन uh, देखा आप लोगों ने स्वैन 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 देखते हैं स्वैम एक बर्ड स्वैन ए एन इट इज अ बर्ड एक्वेटिक एक्वेटिक मीन में जो पानी में रहता है एक्वेटिक एनिमल्स मालूम में आप लोगों जो पानी में रहता है Fish is an देखे animal. देखे तो फिश इज एन एक्टिक बहुत पसंद करता है वो पानी में रहना फिश की तरह वो बहुत पसंद करता है क्या नाम है उसका स्वैन सो वी विल दस ना लोख्या ध्यान से देखिएगा अच्छा लग रहा है पजल स्वैन अब स्वैन बना के देखें स्वैन में देखो ये उसका नेक गर्दन अब चिड़िया के क्या होता है चोंच चोंच लगाना है तो ये देखें देखिए का, का यूज हो सकता है एक ट्रायंगल का यूज हो सकता है गुड ऐसे लगाएं ऐसे लगाएं कौन सा लगाएं बताइए ये देखिए अभी अपन बनाते हैं आप लोग आप साथ में बनाओगे साथ में बनाइए बहुत अच्छा लगेगा बनाइए स्वान बनाइए देखिए पहले मैंने दोनों शेप पर हाँ ये देखिए बहुत अच्छे इसको थोड़ा ऊपर कर लो तो कि हाँ इसको यहां रख गुड आ गया दो हो गया जो hmm. ये इसका नेक हो गया ये दिस का बीक नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इसका ये वाला चेस्ट वाल ये वाला पोर्शन इसको ऐसे रख दे एक और पोर्शन है एक और पोर्शन है एक और पोर्शन है ये वाला भी यूज करते हैं अपन ये वाला पोर्शन यूज करिए पहले स्क्वायर पीस लीजिएगा स्क्वायर पीस स्क्वायर स्क्वायर यस स्क् हो गया गुड ना यूज वन स्मॉल ट्राइंगल स्म हो गया अब कितने बस वैन तेर इधर देखिए इसको ये छोटा ट्रायंगल जो है ना दो बड़े ट्रायंगल्स रखना hmm. लास्ट में उसका हम विंग्स उसका जो फेबर्स वगैरह ना विंग्स बनाएंगे जो छोटा ट्रायंगल है उसको ऐसे रखिएगा देखिएगा इस तरीके से ऐसे? वो तो बड़ा ट्राइंगल तो नहीं है छोटा है छोटा है तो इसको नीचे ये देखो ये आपने थोड़ा सा ना इसको इस तरफ बना इसको ऐसे रखिए यस yes. ये छोटा वाला ट्राइंगल था इसको इस तरीके से देखिए हो गया यहां तक चलिए बहुत आप दो ट्राइंगल्स रह गए ना इसको आप इसको ऐसे रखिएगा ऐसे इसको ऐसे हो गया एक और रह गया मेरे पास भी एक और रह गया उसको कैसे लगाए ये देखिए यहां पर देखिएगा जो बनाया आपने डिस्टर्ब नहीं करें वो नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा यस लगाओ देख के लगाओ उसको और ज्वाइन करो ज्वाइन कर दो ताकि सारे पार्ट ज्वाइन हो जाएं अपने सारे सारे ज्वाइन कर लिए अब हम एक और पजल बनाते हैं मैं आपको हिंट दू उसका एक आवाज देता हूं उस जानवर की बिल्ली। तो बिल्ली बनाते हैं कैट बनाते हैं ये क्या है इस पजल का नाम क्या है टैन टैन ग्राम टैन ना लुक यो देखो बेटा ये देखो ऐसे लगा है इसमें आपको ये अटैच करना है बिल्ली का ये बिल्ली दे का दे दे फेस बनाइए आप लोग भी और ये वाला मैच को बनाओ बनाओ बना। इसको आप ऐसे रखिए इसको आप इस तरीके से हाँ देखिए कैसे ज्वाइन करे आप देखिए ध्यान से फिर मैं आप कर लेंगे तभी मैं करूंगा हाँ एक और ट्राइंगल यूज किया मैंने हाँ, मैं देखिए जरा ध्यान से कैसा लगा है सही लगा है? सेम हो गया गुड हो गया आगे बढ़े अब देखिए इसमें से एक ट्राइंगल आप कोई भी ऐसा इसको आप ऐसे लगा दीजिए छोटा वाला ट्राइंगल हो गया अब एक काम करिए इसमें से जो आपके पास दो बड़ा ट्राइंगल रह गया ना, ना उसका एक ऐसे यूज करिएगा इस ना, तरीके से अच्छा। तो इसको करिए और टेढ़ा और टेढ़ा तो टेल हो गई टेल नहीं टेल तो अभी बाकी है टेल आएगा अभी देखना ये हो गया अब कितने शेप्स रह गए अब हमारे पास रह गए टू शेप हमको यूज तो सभी करना है यूज़ तो सभी करना है इधर नहीं नहीं वो नहीं ये वाला ये वाला नहीं नहीं चलो लगाइए लगाइए कोई भी लगाइए सही से लगाओ ऐसे नहीं, नहीं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे ठीक है हो गया अभी तो एक और बाकी है क्या है इसका टेल टेल आप इसको ऐसे लगा दीजिए गुड, लुकिंग लाइक कैट और नॉट, यस यस, इट सिटिंग और स्लीपिंग स्लीपिंग ये स्लीपिंग ये स्लीपिंग फॉर्मेशन है ये क्या है स्लीप Sleep कर रहा है सो so, कैसा लगा आप लोगों को अच्छा बहुत अच्छा लगा कितनी चीजें बनाई हमने कैट बनाया बहुत सारी चीजें प्लेन प्लेन स्वैन स्वैन जो आपको डक जैसी भी लगी है ना और थ्री प्रोस्चर ऑफ कैट तीन तरीके से बिल्लियां बैठी कैसी कैसी एक बैठी हुई सोई सोई हुई एक एक और खड़ी हुई ओके okay? इसको आप घर जाके इसको और प्रैक्टिस करिएगा है ना बड़ा मजा और भी हम शेज बना सकते हैं इसमें कोई नहीं हुआ था नहीं कोई टेंशन ही नहीं है लेकिन मैथ्स का सवाल में आंसर नहीं आता तो बड़ा टेंशन होता है इसमें तो बिल्कुल टेंशन नहीं है गलत भी हो जाए तो भी हम कोशिश करते रहेंगे है ना यस नाउ यू कैन प्रैक्टिस टुडे द टूडे चैप्टर वॉस शेप्स एंड डिजाइंस बहुत मजा आया होगा आप लोगों को क्योंकि उसमें हमने एक टॉपिक लिया था वैसे तो फीचर्स बहुत होते हैं हर शेप के लेकिन इसमें सिर्फ दो ही फीचर्स को हमने इंक्लूड किया था एडजस्ट एंड कॉर्नर उससे आप लोगों ने बहुत सारी चीजें बनाई उसमें राइट फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइन उसके बाद हमने टैक ग्राम तक गले गए हैं टैंक ग्राम में तो बहुत सारी अलग अलग पजल्स बनाई थी आप लोगों ने तो बहुत मजा आया होगा इन पजल्स की प्रैक्टिस आप लोग घर पर करिएगा और ऐसे सीखेगा ऐसे सीखेंगे तो मज़ा आएगा अगर आप सिर्फ कॉपी किताब में मैच करते रहेंगे मज़ा नहीं आएगा लेकिन आप जब इन सब चीज़ों में भी आप इनडायरेक्टली कई चीज़ें सीखते हो सो प्रैक्टिस दिस मोर एंड मोर थैंक यू